और इस सांप के बारे में तो ज़्यादा ही जरूरत से ज़्यादा ही गलत फहमी है कि ये कभी कभी तो लोग बोलते हैं कि ये जो औरत होती है जिनका बच्चा हुआ रहता है उनका भी दूध पी लेता है उसे पकड़ के उसका हाथ पैर लग, तो इसके बारे में सब जगह एक ही धारणा है कि ये गाय भैंसों के पैर को लपेट के उसके उसे छान कर उसका दूध पी लेता है पेट के। लोग काफ़ी डर जाते हैं सांप को देखते ही, वो पहचानते नहीं हैं, सांप को पहचानते नहीं और डर जाते हैं, डर घुस जाता है लोगों के मन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिंकू स्नैक कैचर, मैं हूँ रिंकू कुमार। आज हमारे साथ मेरे फ्रेंड है अभिषेक, हमारे पुराने फैन और हमारे सहयोगी, और हमारे आज है धर्मेंद्र भाई। तो इसे हमने रात को करीब 9-10 बजे ये किसी के घर के किचन में घुस गया था, हमने उसका रेस्क्यू किया। कितना बड़ा था? मैंने नहीं देखा, मामा ने देखा था। कितना दोस्तों, अभी आपने देखा हमने इसको किस तरह एक किचन के अंदर नारियल वाले रखा था, उसको हटा हटा के इस सांप को पकड़ा। लोग काफ़ी डर जाते हैं सांप को देखते ही, वो पहचानते नहीं हैं, सांप को पहचानते नहीं और डर जाते हैं, डर घुस जाता है लोगों के मन में।
किसी ने एक सही कहा है कि सांप का डर नहीं है, सांप का दहशत नहीं, सांप का नाम का दहशत है। सिर्फ सांप सुन ले, लोग छिपकली भी देख लेते हैं और कोई बोल दे कि सांप है तो लोग डर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सांप से डर नहीं, उसके नाम से ही डर है। तो इसके बारे में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरा वीडियो देखें तभी आपको पूरी जानकारी होगी। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है इस सांप के बारे में, ये एक इंडियन रेड स्नेक है जिसे मराठी में धामन, हिंदी में धामिन, बांग्ला में दरस ढेमना, अपना हरियाणा में घोड़ा पचार और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से इसे जानते हैं। तो इसके बारे में सब जगह एक ही धारणा है कि ये गाय भैंसों के पैर को लपेट के उसे छान कर उसका दूध पी लेता है। देखिए ये हाथ, ये लंबा होता है, पूछ पतली होती है, तो कुछ भी इसे टच हुआ तो उसे लपेट लेते हैं। इस ग्रिप को देख के लोगों को लगता है कि ये गाय भैंसों का दूध पीता है, जो कि सरासर गलत बात है। कोई भी सांप दूध नहीं पीता है, दूध में कैल्शियम होता है और सांप कैल्शियम को नहीं पचा सकता है। दूध पचाने का जो एंजाइम होता है वो सांपों के पेट में नहीं होता है। अगर ज़्यादा सांप किसी मजबूरी बस दूध पी ले तो उसके पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो सांप दूध नहीं पीते हैं, आप याद रखिए। और इस सांप के बारे में तो ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा ही गलत फहमी है कि ये कभी कभी तो लोग बोलते हैं कि ये जो औरत होती है जिनका बच्चा हुआ रहता है उनका भी दूध और जानवर का भी दूध पीता है, जो बहुत गलत बात है। इस सांप दूध नहीं पीते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो सपेरे होते हैं, उनका वो बिजनेस है, तो क्या करते हैं, कभी शिवरात्रि है, सोमवारी है, जब शंकर भगवान का कभी पूजा का टाइम आने वाला रहता है, तो महीनों दिन से कोबरा को कुछ भी खाने पीने के लिए देते नहीं, प्यासे रखते हैं, भूखे प्यासे। और जब शिवरात्रि का टाइम आता है, सोमवारी का टाइम आता है, तो सपेरे उन सांप को लेके जाता है लोगों के पास और बोलते हैं देखिए ये दूध दीजिए, ये भगवान है, नाग देवता है, दूध पिएगा आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो उसके सामने पानी और दूध मिला के दे देते हैं या दूध भी दे देते हैं तो सांप को वो पानी जैसा समझ के वो पी लेता है, क्योंकि वो भूखा प्यासा रहता है तो मजबूरी में जान बचाने के लिए पानी समझ के वो पीता है। लेकिन बाद में वो सांप के पेट में इन्फेक्शन होता है, उसकी मौत हो जाती है, सपेरे उसके फेंक देते हैं, बाद में दूसरा सांप किसी से लेते हैं, उसका दांत मत तोड़ के फिर रखते हैं। वो उसका बिजनेस है, लोगों को अंधविश्वास फैलाना, लोगों को डरा के पैसे कमाना, वो उसका बिजनेस है। एक अच्छा जो स्नेक रेस्क्यूअर होता है, जो जानवर का प्रेम करता है, जो वो कभी लोगों को अंधविश्वास में नहीं रखता है, जो सच्ची अच्छी बातें हैं वो लोगों को बताता है। और ये एक नॉन वेनमस होता है, इसमें किसी प्रकार का वेनम नहीं है। ये ज़्यादातर चूहों को खाते हैं और घरों के आसपास ही रहते हैं, कहीं भी चढ़ सकते हैं। ये एकदम बहुत अच्छे क्लाइंबर है, स्विमर है, पेड़ पे भी, बिल्डिंग के ऊपर, पानी में कहीं भी जा सकते हैं। ये ऑलराउंडर सांप होता है, ये लंबा और पतला होने की वजह से बहुत ऊंचाई से कूद भी जाते हैं, जंप भी मार देते हैं और इसे कुछ होता नहीं है। तो अभी हम इसे रिहा रिलीज़ कर देंगे इसके नेचुरल हैबिटेट में, ताकि ये अपना आगे का जीवन इस प्रकृति का बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए अपना जो जीवन है आगे वो बिताएगा। तो इसे हम रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन घंटे के निशान को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर ले, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। दूध पी लेता है उसे पकड़ के, उसका हाथ पैर लपेट के। तो फ्रेंड्स, आज हमारे धर्मेंद्र भाई के पावन हाथों से इस धामन सांप को हम यहाँ रिलीज़ करवाएंगे। ये लीजिए धर्मेंद्र भाई, इधर छोड़ दीजिए। कितना प्यारा और मासूम सांप है, आप देख सकते हैं। बेवजह लोग सांपों के बारे में जानते नहीं हैं, उसे पहचानते नहीं हैं और मार देते हैं। तो सांप हो या दूसरे कोई भी जीव हो, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। एक इकोसिस्टम है, इको बैलेंस है, पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए सभी जीव चाहिए। तो इनको भी समझे, उनके दुख दर्द को, तकलीफ़ को समझे और उन्हें बचाए, ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे और हम सब बचे रहें। तो इसी तरह अपना प्यार, सहयोग, सम्मान हमारे ऊपर बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, फिर किसी सांप के साथ, फिर किसी जीव के साथ, उनकी जानकारियों के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।